जो लॉकयर की परिकल्पना है, ठीक है, जो हाइपोथेसिस है लॉकयर की उल्का परिकल्पना, ये क्या है, इसको अपने इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, लॉकयर जो थे वो एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। ब्रिटिश जो लॉकयर थे वो एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। लॉकयर का मानना था कि देखिए, जो तारे टूट करके आपस में टकराते हैं और पृथ्वी पर गिरते हैं, उन्हें उल्का कहा जाता है। जो बड़े बड़े जो तारे हैं, देखिए एक बात और है, लॉकयर का जो उल्का सिद्धांत है, ठीक है, लॉकयर का जो उल्का पिंड की परिकल्पना है, ये परिकल्पना जब आप लोग समझेंगे तो जिन्होंने पिछली वीडियो देखा होगा वो समझ जाएगा कि लॉकयर ने किसकी परिकल्पना को चुराया है, ठीक है। तो एक्चुअली लॉकयर ने लाप्लास की निहारिका सिद्धांत जो है, नेबलर थ्योरी जो लाप्लास ने दिया था, लॉकयर ने कुछ नहीं किया है, उन्हीं के सिद्धांत की एक तरीके से कह लीजिए चोरी कर ली है, ठीक है। देखिए लॉकयर ने क्या बताया, लॉकयर ने ये बताया कि जो तारे ऊपर से गिर करके टूटते हैं, टूट करके गिरते हैं, ठीक है, अब पृथ्वी के वायुमंडल में आने पे वो जल जाते हैं, ठीक है। देखिए ये पृथ्वी का धरातल है, धरातल से 125 किलोमीटर, 125 किलोमीटर ऊपर अगर कोई पिंड आ रहा है तो वह वायुमंडल में जल जाता है। आते हुए पिंड को उल्का कहते हैं। अगर इसका कुछ बचा हुआ भाग, उल्का का मैक्सिमम भाग जो है, बहुत ही ज़्यादा भाग वायुमंडल में जल जाता है, जो बचा हुआ भाग रहता है अगर वह पृथ्वी पर गिरता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। लॉकयर ने माना कि देखिए काफ़ी टाइम पहले क्या हुआ कि दो महाविशालकाय पिंड आपस में क्या हुए, जो मान लीजिए तारे थे आपस में टकरा गए, टकरा करके वो छिन्न भिन्न हो गए, और छिन्न भिन्न होने के बाद उनके कणों में, अगर ये दो महाविशालकाय पिंड अगर हम लोग मान लें, तो ये दो जो महाविशालकाय पिंड थे ये आपस में क्या हुए, टकरा गए, और टकरा करके छिन्न भिन्न हो गए, इस तरीके से टकरा करके ये क्या हुए, छिन्न भिन्न हो गए। और इनमें आपस में रगड़ होने के कारण, इनमें आपस में रगड़ होने के कारण इनका ताप, वात, ये सारी चीज़ें जो है कि घर्षण बढ़ा, ताप बढ़ा, इनकी गति बढ़ी, ठीक है, आपस में रगड़ होने के कारण ये सारी चीज़ें बन गई। और इतना ये लोग आपस में रगड़ खाए कि इनका ताप बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। ताप बढ़ जाने से बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो थी, जो पिंड थे छोटे छोटे जो कण बन गए थे, वे तरल अवस्था में आ गए। किस अवस्था में आ गए, तरल अवस्था में आ गए। और उस तरल अवस्था में आने के बाद जो गैसें निकली वो ऊपर जो है बादल का रूप धारण कर ली। अब तरल अवस्था में आने के बाद ये फिर सब इकट्ठे हुए, और फिर जब सब इकट्ठे हो गए तो इकट्ठे होने के बाद इसका केंद्रीय भाग, मतलब कि बीच वाला भाग, ठीक है, ये केंद्रीय भाग, इनका बीच वाला भाग ये तो गर्म ही रहा, मगर ये ऊपर का बाहरी भाग जो था ये धीरे धीरे क्या हो गया, ठंडा हो गया, और ठंडा होने के फलस्वरूप जो है सिकुड़ करके उसमें से निकल गया। तो अब जैसे मान लीजिए लॉकयर ने क्या कहा कि देखिए, अगर इस चीज़ को हम ऐसे बताएं कि लॉकयर ने कहा कि ये कोई दो पिंड हैं आपस में टकरा गए, टकराने के बाद जो है छिन्न भिन्न हो गए, छोटे छोटे बहुत सारे कणों में टूट गए, टूटने के बाद ये लोग आपस में रगड़ खाते रहे, घर्षण होता रहा, जिससे इनका तापमान, वात और गति बढ़ती रही। अब आगे क्या हुआ कि इतना ज़्यादा इनका तापमान बढ़ गया कि ये लोग पिघल गए, पिघल करके एक ठोस रूप धारण कर लिया, ठोस रूप धारण किया। जब इन्होंने पिघल करके एक ठोस रूप धारण किया तो इनका जो केंद्रीय भाग था ये तो गर्म रहा बिल्कुल, लेकिन ये जो ऊपर का जो बाहरी वाला भाग था ये क्या हो गया, ठंडा हो गया। और ठंडा होने से जो गैस वैस निकली ये सब ऊपर जो है जा कर के बादल के रूप में बन गए, जो भी गैसें निकली हों, जो भी निकला हो। और उसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो भाग है ऊपर का, ये जो बाहरी आवरण है, ठीक है, ये बाहरी आवरण ये सिकुड़ गया, और सिकुड़ जाने के बाद जो है यहाँ से निकल करके ऐसे
खींच करके एक दूसरा पिंड बन गया। और ऐसे कई सारे इसमें से छोटे छोटे छल्ले निकल गए। इन्होंने छल्लों की संख्या जो है 9 बताई, क्योंकि बताया गया था कि ग्रहों की संख्या 9 है। 2006 में यम को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और उसको बौना ग्रह बताया गया। तो पहले जो था, सब लोग अपनी परिकल्पना देते थे, जो भी भूगोलवेत्ता हों, जैसे लाकियर हों या लाप्लास हों, तो इन्होंने उसी को आधार मान के बताते थे। तो इन्होंने बताया कि 9 छल्ले हो गए, और ये जो केंद्रीय भाग रहा, ये जो केंद्रीय भाग रहा, ये आज भी है, जिसको कि सूर्य के नाम से जानते हैं। और बाकी 9 छल्ले अलग अलग हो गए और वो सूर्य का चक्कर लगाने लगे। तो जिन लोगों ने लाप्लास की निहारिका सिद्धांत पढ़ा होगा या वो वाला वीडियो देखा होगा, नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो जानते होंगे कि ये बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। अगर ये इसमें से कुछ बातों को अगर छोड़ दें, 2-4 बातें हैं जो यहाँ पे हैं, इसको छोड़ दें, तो ये जो बातें हैं ये सेम टू सेम किसकी हैं? लाप्लास के निहारिका सिद्धांत की हैं। इन्होंने कहा, लाकियर ने बस क्या बताया कि देखिए सर्पिल निहारिका बन गई, सर्पिल निहारिका बनने के बाद ये ऐसे ऐसे करके और ये 9 छल्ले जो हैं अलग हो गए। तो इनकी भी आलोचना की जाती है, जिस प्रकार से लाप्लास के निहारिका सिद्धांत नेबुलर थ्योरी की आलोचना की गई, उसी प्रकार से इनकी भी आलोचना की गई और कहा कि आपने तो कुछ किया ही नहीं, लाप्लास का पूरा चोरी करके और ला के दे दिया, ठीक है। चैम्बरलिन ने जब अपना सिद्धांत बताया था, ठीक है, जब चैम्बरलिन ने अपना सिद्धांत बताया और उसमें ये बताया कि देखिए उल्का पिंड के माध्यम से, ठीक है, चैम्बरलिन ने क्या बताया था कि उल्का पिंड के माध्यम से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इतने ग्रह बन जाना, सूर्य का बच जाना उल्का पिंडों के टकराने से ये पॉसिबल नहीं है। और इतने महाविशालकाय जो तारे हैं, जो इतने महाविशालकाय पिंड हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे पिंडों के टकराने से बड़े बनेंगे, फिर इनका बाहरी वाला भाग ठंडा होगा, कहा कि उल्का पिंडों के मिलने से इतना बड़ा तारा बनना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से लाकिर की उल्का पिंड परिकल्पना की भी आलोचना की जाती है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इनका जो सिद्धांत है वो भी लाप्लास की निहारिका सिद्धांत की तरह ही आलोचनात्मक है, और इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, वर्तमान में यह मान्य नहीं है, ठीक है। तो यही था लाकिर का उल्का पिंड परिकल्पना, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ डाउट लगे या न समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, आपका रिप्लाई जो है ज़रूर दिया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।